हेलो। हाँ हेलो। हाँ, आप हमको लगा है कि आप स्कूल आ रही होंगी आज, इसीलिए हम कॉल किए हैं। हो सके तो कॉल ले आएंगे। हाँ, अच्छा, कल ही आइएगा। क्या रहते अच्छा ठीक है। तो आप भी आती क्या? हाँ, आप आते तो हम आते। वही के लिए हम कल है फोन आपको नहीं किए हुए, हाँ, पैसा वह पैसवा के लिए। के लिए। नहीं, पैसा के लिए, हम अपना पैसा के लिए नहीं। वो नहीं, वो कल है अथी बात बतियाना था जो हम आपको फोन किए हुए थे, कहे थे कि आप है ना हाँ, राकेश उसके को, बारे में पूछी हाँ थी। राकेश सर को दी थी, तो आप कही थी कि है ना 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 उनको हम कहला देंगे, सो बीओ और डीओ साहब को दिए थे। हाँ, हाँ, तो वही हम इसी सब के लिए और काहे के लिए। तो क्या कोई बात है क्या? नहीं, मान लीजिए कि तेका पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, इसी के लिए हम कहे कि पता नहीं। आप बोली थी ना तो हमको लगा कि सुनाया, समझी कि है ना, कौन सुनाया? आप जहिया पूना में थे तहिए हमको लगा कि आप वाह, कहीं उसका नाम हम कहाँ कहीं लिए हैं? ये कहाँ से आप ले आई हैं? हम ये हमको, कहे जो ऊपर से ही जानकारी दे ही देगा तो ऊपर से तो सूचना देकर ही करना होगा। हमको इनका रणविजय सर का बोली थी नहीं कि एक बार हो गया था, तो आप कहें कि ना लेट हो जाता है, सोहना रणविजय जी को भी पैसा देना होगा, इसीलिए हम हाँ, तो कॉल करें। शुरू में बीओ साहब जो बदली हो गए ना, तो शुरू में हम पहले मेडिकल के फेयर में थे ना, तो वही रणविजय जी बोले थे जे कई जगह दौड़ना होगा, अच्छा आ सब जगह पैसा देना होगा, ले दे के हो जाएगा। तो सब तो आपको हम बतावे करते थे जैसे हाँ, ऐसे कहे हैं, तो वही आप कही जे हाँ हाँ नहीं देंगे। तो उसी पे हमको राकेश का नाम लगा कि है ना उनको पैसा देती तो फिर कहला ऐसा वैसा होता, इसीलिए हमको लगा कि आप ना दे क्या उनको पैसा। इसको हम कहला पैसा देंगे, कथी है जिसको पैसा देंगे? लोग पदाधिकारी से करता है कि कथी है? अच्छा, नहीं हमको लगा, आपको याद नहीं, हमको लगा कि आप कहीं हुई थी कि मान लीजिए बगल में घर उड़ है सोहना, नहीं वही कहे होंगे आप इसीलिए। समझे, हम ई कहे होंगे जे ई तो कहिए देगा जरूर, ऐसा है नहीं जो माने चुपचाप हम रहेंगे जे ई तो सूचना दे ही देगा। हाँ, हाँ, इसीलिए हम आपको तो जानती दे है देगा तो थोड़ा। हम ऊपर बात करेंगे, उसको हम कहला देने जाएंगे। हाँ बस वही बात है, हम वही के लिए कहे कि ना पता नहीं पैसा नहीं दी होंगी तब ना, नहीं तो पैसा देती तो कोई थोड़े ऐसे करेगा। ऊपर से आदमी करता है कि मान लीजिए ऊपर देगा तो नीचा वाला कुछ नहीं करेगा। आई भंसिया को पैसा देके हम कथी करेंगे? ना ठीक है डीपीओ से तो। बात किए हुए थे, बीओ साहब को देते थे। बताइए हाँ, बताइए कि आप तो आपसे तो मंगेबो किए थे एक बेर। पैसा मंगाए थे हम, हाँ, इसीलिए बाद तो में कम। देना था तो हम कहे जे तो आप देर की तो हम कहे अच्छा रहने जी, आपका तो पैसा मेरे यहाँ है ये है से हम ही उसी दे में दे रहे मैनेज हैं। हो जाएगा। हाँ, बीचवो में आप नहीं देती तो हम कहिए रहे थे जी आपका पैसा तो है ये है। हाँ ना ठीक है तो, ये पैसा के लिए हम नहीं कहे थे, ये पैसा के लिए पेमेंट आएगा तो कर दे दीजिएगा, ताते का काम सब करेंगे। हाँ, पैसा तो कई रंग का है ये है, सब हिसाब किताब करेंगे, आपका तो कई रंग का पैसा है नहीं? हाँ, अच्छा ठीक है तो, ना सब हमको याद है ना। ना ठीक है तो। हाँ, वो बताइए ना, भंसिया है तो उसको कथी ला हम पैसा देंगे? कोनो देखिए, बतवा हाँ मैंने वो जानहो सुनिए, बेटा है ही, हम अच्छा कहते होंगे। सुनिए, देखिए मिला कहीं भी कोई काम करने पे जानती है, मिला जुला के चलने पे क्या होता है, परेशानी नहीं होता है आदमी को। हम तो आपको ऐसा आपको आदमी अच्छे रहता से, है तब ना, आप देखिए मान लीजिए आप लियो ले या देखिए नंबर हरामियों कर दे, मिला जुला के देखिए, तो आदमी इसीलिए जानते कोशिश हैं करवे ताकि, करता है। देखिए विद्यालय जो क्या है, एगो परिवार है, आदमी मिला जुला के, इसीलिए आप कहती हैं, आप एक बीच में नहीं कही कि हाँ आप नहीं साथ देती हैं। हम ये है कि मान लीजिए आप हमारे अपने हैं, वो हमारे अपने, हम लोग केतनो हो जाएगा नौकरिया के चलते, रहते का खट्टा मीठा आ जाए, इसीलिए आदमी नहीं चाहता है कि एक जगह मान लीजिए रहिए, किच 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 हो, इसीलिए दूसरा कुछ नहीं है, आदमी नौकरी करने ना आया है, इसीलिए हम लोग हाँ, कहो कि तो देख परेशानी रही है तो आदमी कथी करता है। अब भंसिया है तो वो चाहेगा जब हम इनसे पैसा ले कमीशन तो ही होने वाला है। जहाँ जरूरी होता है, पर्व है, त्योहार है, कुछ है, आदमी स्टाफ पर ना खर्चा करता है कि भंसिया को जाता है देने? अब वो ऐसा बन के रहे तब ना कि रोब से। तो आदमी एक साथ परिवार न रहता है एक। चलाने का ये मामला सामने आया, इसकी जांच करने के डायरेक्शंस जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया है, और साथ में अगर आवश्यकता हो तो प्रशासनिक सेवा के भी कुछ पदाधिकारी जांच टीम के साथ रहेंगे। अगर मामला सही पाता है तो इसमें नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाए। सर, ग्रामीण का एक और आरोप है, 50 से 60 बच्चे आते हैं लेकिन अटेंडेंस 300 बच्चे का होता है,
कमेटी सभी बिंदुओं पे जो ग्रामीण लोग हैं वो जिला शिक्षा पदाधिकारी को अपना आप आवेदन दे सकते हैं, उसकी जाँच जो है करवा देंगे। ठीक, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ बताइए। बुलबरिया ग्राम की जनता है सर। हम लोग के विद्यालय में एक प्रधान अध्यापिका है कल्याणी कुमारी, विश्वविद्यालय उत्क्रमित मध्य विद्यालय फुलबरिया की। जो कल्याणी कुमारी तो विद्यालय में कम उनके पति द्वारा विद्यालय संचालित किया जाता है। विद्यालय का हमेशा टाइम है 11 बजे आना, 2 बजे चला जाना। सब अगर रसोईया कहती है कि नहीं 60 बच्चा नहीं हम खाना बनाएंगे, हमको जितना बच्चा है उतना दीजिए, तो मारा पीटा जाता है, उसको भगाया जाता है। विद्यालय में अध्यक्ष जाते हैं अगर विद्यालय में पूछने तो कहा जाता है कि हम धमकी दे रहे हैं तुमको कि निकल जाओ, नहीं तो जाकर FIR करेंगे। विद्यालय से एक बार नहीं कम से कम 10-20 आदमी के ऊपर जाकर FIR के लिए बराबर आवेदन दे देती है कि जो भी विद्यालय में कुछ पूछने आएगा उस पर हम केस कर देंगे। उसके पूरे विद्यालय का मामला हम लोग प्रखंड पदाधिकारी से लेकर के जिला के शिक्षा पदाधिकारी तक दिए, लेकिन आज तक कोई पदाधिकारी भी जाकर के जाँच करना उचित नहीं समझते हैं। उसके बाद में उसका वीडियो है जो हम दे सकते हैं, उपलब्ध करा देंगे कि विद्यालय के में जा करके प्रधानाध्यापिका के पति अपना डिक्टेटरशिप चलाता है कि जिस बच्चा को मन हुआ उसको हम रहने देंगे, आओ कल तुम हमारे घर पर काम करो, नहीं आएगा तुमको परीक्षा में नहीं बैठने देंगे, निकाल देंगे, जाओ तुम जी। उसका वीडियो है, ऑडियो भी है, ऑडियो है। हम लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी को फ़ोन किए एक बार नहीं 5 बार। उसके बाद में रसोईया प्रताड़ित होकर के वो फ़ोन किया तो कह रहे हैं कि तुमको हेडमास्टर बना दें, चुपचाप रहता है कि नहीं, जांच भेजते हैं तो वो जांच टीम जा करके सिर्फ धमकी देता है कि आप लोग चुप हो जाइए नहीं तो FIR करवा देंगे। DM आज क्या कहें? DM साहब से हम लोग मिले हैं तो बोला कि हम टीम गठित कर रहे हैं, हम उसका जांच करवाएंगे। विद्यालय में सबसे बड़ी खूबी है कि जो विद्यालय में जब से प्रभार बनी तब से 3 शिक्षक ही रहते हैं उस विद्यालय में। अगर धोखा से दूसरे जगह के अगर बाहरी शिक्षक अगर दूसरे किसी जाट से अदर कास्ट का अगर शिक्षक भी वहाँ चला गया तो 3 आदमी भूमिहार है, वो लोग कबूल नहीं करता है कि यहाँ भूमिहार शिक्षक छोड़कर दूसरा शिक्षक रहे, तो उसको या तो डिप्टेशन पर दे दिया जाता है नहीं तो गाली गलौज करके धमका करके उसको हटा दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उत्क्रमित मध्य विद्यालय है तो उसमें 3 ही शिक्षक 4 ही रहना चाहिए, और 2 आदमी बराबर डिप्टेशन में रहता है। दूसरी बात देख लिया जाए, विद्यालय का अटेंडेंस रजिस्टर 20-20 दिन खाली रहता है, फिर जाकर के हाजिरी बना लिया जाता है। आज तक कभी भी विद्यालय के अध्यक्ष से वो छुट्टी लेना उचित नहीं समझती हैं। दूसरे सहायक शिक्षक को कहती हैं जिनका रिकॉर्डिंग है कि 15,000 रुपया महीना लगेगा, आपको जितना दिन छुट्टी में रहना है रही हमको दीजिए, हम DM तक ना देते हैं घूस। उसका भी ऑडियो है, हम उपलब्ध करा देंगे। वह शिक्षक कह रही है, शिक्षिका, कि नहीं हम आपको पैसा दिए हुए हैं। क्या नाम है शिक्षिका का? शिक्षिका का नाम है भारती कुमारी, एक रेणु देवी हैं। ये लोग महीना देती हैं, अपना घर पर रहती हैं।